आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। यूक्रेन जंग में अयोध्या के बीकापुर का एक छात्र भी फंस गया है। 24 घंटे से छात्र से परिजनों की बात नहीं हो पा रही है, जिसके कारण परिजनों की धड़कनें तेज हो गई हैं। हालांकि तहसील प्रशासन ने रहेट निवासी सनीलाल के सकुशल होने की सांत्वना देते हुए जल्द ही उसकी घर वापसी की उम्मीद जताई है। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे बीकापुर तहसील के गांव निवासी सनीलाल पुत्र भरतलाल अपने साथियों के साथ रोमानिया बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। इधर छात्र सनीलाल के परिजन बेसब्री से उसकी घर सकुशल वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने वहां फंसे छात्रों की वापसी को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, फिर भी सनी के गाँव और घर में सन्नाटा है। सनी के दादा राम अवध रावत सरकार से बार बार अपील करते हैं कि उनके नाती की सकुशल वापसी हो। वही छात्र सनी की बहन आकांक्षा सरकार के प्रयासों की सराहना तो कर रही है, मगर भाई के अभी तक घर वापसी न होने से उन्हें मलाल है। दूसरी ओर तहसील बीकापुर के नायब तहसीलदार गरिमा वर्मा रहेट जाकर छात्र के परिजनों को ढांढस भी बंधा चुकी है। मीडिया से रूबरू होते हुए सनी की मां भी जल्द से जल्द अपने लाल का दीदार करना चाह रही है। बताते चलें कि वर्ष 2018 में रहेट गांव के होनहार छात्र सनी लाल यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए थे। अब यूक्रेन रूस युद्ध में अपने अन्य अध्ययनरत छात्रों के साथ वो भी फंस गए हैं। परिजनों ने बताया कि दो दिन पहले मोबाइल से छात्र सनी से बातचीत हुई थी, जिसमें उसने अपने आप को कुशल बताते हुए जल्द ही घर वापसी की उम्मीद जताई थी। अभी तक जितने भी छात्र अपने घर पहुंच पाए हैं, जितने भी इंडिया में पहुंच पाए हैं, ये अच्छा है तरीका लोगों को वहाँ से बाहर निकालने का, लेकिन फिर भी उतनी कंडीशन जितनी वहाँ की खराब है उसको देखते हुए ये डर भी लगा है, और फिर भी हर कोई फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी है बच्चों को लेकर। इस वजह से जल्द से जल्द वहाँ की जो भी कंडीशन है उसको देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से लेकर आए। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ।